हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इडली सांभर। इसके लिए हमने बैटर तैयार कर लिया है। इसमें हमने 3 कप हमने चावल लिए हैं, 1 कप हमने उड़द की दाल ली है, 1 चम्मच हमने मेथी दाना लिया है जो रात भर पानी में भिगो दिया था और फिर सुबह इसको हमने पीस लिया था। पीस के हमने इसको 24 घंटे के लिए रख दिया था। इसके लिए इस तरह का बैटर चाहिए हमको, न ज्यादा पतला न ज्यादा ठीक। और हम इसमें 1 चम्मच नमक मिलाएंगे और 1 चम्मच ये इनो सॉल्ट है उसको डालेंगे। हम दाल देखते हैं हम सांभर कैसे बनाएंगे। तो 1 कटोरी हमने अरहर की दाल ली है जिसको 1 कटोरी पानी में बॉइल कर लिया है। 1 पिंच हमने हींग ली है, 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हमने मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने नमक लिया है, 1 कटोरी हमने फ्रेंच बीन ली है जो बॉइल कर ली है, 1 कटोरी हमने बैंगन ली है जो भी उबाल ली है उसको भी, और ये कड़ी पत्ता है, 4-5 कड़ी पत्ते हैं जो हमने काट लिए हैं, 2 लाल मिर्च है, 1 चम्मच हमने राई ली है, 1 कटोरी लौकी है जो हमने बॉइल कर ली है, ये टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये धनिया है जो हमने बारीक काट लिया है, 4 चम्मच धनिया है, ये 1 चम्मच सांभर का मसाला है, ये 2 टीस्पून इमली है, इमली का पानी जो हम रात भर पानी भिगो दी थी उसके बाद उसको छान लिया है। सांभर का मसाला मेरी दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं, ये मैंने घर पे ही बनाया है। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने बैटर को तैयार करते हैं। इसमें हम नमक मिलाएंगे, इनो सॉल्ट डालने के तुरंत बाद हम इसमें, ये इडली का कुकर है जो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, इनो सॉल्ट डालने के बाद हम इसके फ्रेम में इसको डालेंगे। इस समय मैंने थोड़ा थोड़ा घी लगा लिया है, देखिए इस तरह से। अभी हम इनो सॉल्ट डाल के इसमें हम इसको डालेंगे। इनो सॉल्ट डालते ही हमको रखना नहीं है ज्यादा देर तक, एकदम से इसमें इस तरह से, इससे हमारी इडली स्पंजी बनेगी। देखिए इस तरह से, थोड़ा सा बस ज्यादा नहीं फेंटना है इसको, थोड़ा सा फेंट के इस तरह से इसके फ्रेम में, इस तरह से सभी फ्रेम में हम इसको डाल देंगे। देखिए को एक एक करके डाल देंगे। इडली बनाते समय एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप अपना बैटर पीसें उसमें पानी कम से कम यूज करें, उसको थोड़ा पतला पीसें। अभी हम क्या करेंगे, इसका ये लगा देंगे तरह से, और हमने 1 गिलास पानी रख दिया है बॉइल होने के लिए। अब इसको हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें हमारा इडली तैयार होती है, इसमें हम सांभर बना लेते हैं। तो सांभर के लिए हमने 1 चम्मच हमने तेल ले लिया है। अभी हम इसमें ये राई, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च डालेंगे, तरह से हींग डालेंगे, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर डालेंगे, तरह से इसको भुनने देंगे। और ये हमने दाल जो ली है अरहर की, इसको हमने अच्छे से पीस लिया है ताकि हमारी सांभर गाढ़ी बने, तरह से देखिए। अभी हम क्या करेंगे, टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालकर इसको हम भून लेंगे। इसको हम 5 मिनट जब तक ये हमारा तेल मसाला ना छोड़ दे, इस तरह से हम 5 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। हमारा मसाला भून चुका है। अभी हम इसमें सारी सब्जी ऐड करेंगे। आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से सारी सब्जियां हम इसमें करेंगे। बीन्स, सॉल्ट, 1 चम्मच सॉल्ट लिया है हमने। अभी हम इसमें दाल डाल देंगे इस तरह से। हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। इसके बाद में सांभर का मसाला डालेंगे, इमली डालेंगे तरह से, लास्ट में हम धनिया डालेंगे। 10 मिनट पकने के बाद इसको हम बंद कर देंगे।
10 मिनट इसको पकने देते हैं, उसके बाद हम इसका धनिया डाल के इसको बंद करेंगे। हमारी दाल भी उबाल हो चुकी है, अभी इसमें हम धनिया ऐड करेंगे। तो इसे गैस हम बंद कर देंगे। हम अपनी इडली चेक कर लेते हैं, देखिए कितनी फूल फूल के हमारी इडलियाँ तैयार हो चुकी हैं। अभी इसको चेक करने के लिए आप इस तरह से भी डाल के देखेंगे तो हमारी बिल्कुल इसमें चिपकेगी नहीं। तो हम इसको गैस बंद कर देते हैं और हम इसको 5 मिनट ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इडली निकालेंगे। सर चुके हैं, हमारा कुकर भी ठंडा हो चुका है और सांभर भी हमारी तैयार है। तो अभी हम इसको सर्व करते हैं। इस तरह से इसको सर्व करते हैं। अभी हम इडली निकालते हैं, देखिए इसको खोल देते हैं और सबको थोड़ा थोड़ा फोक से इसको हटा लेंगे। इस तरह से हटा के सर्व करेंगे। हमने इसमें फ्लेम में घी लगा लिया था इसलिए हमारी इडली चिपकी नहीं है। देखिए इस तरह से हम हमारी इडली सांभर तैयार है। आप इसे ट्राई कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।